तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कहानी सुनेंगे, चलिए आपको भी सुना देते हैं कहानी। और ठंड बहुत हो रही है और ये देखिए मैंने जो है यहाँ पर आग लगा मतलब उपला जला लिया है। तो यहाँ पर हमने आग जला ली है उपले की और इसमें हम जो है तिल चटकाएंगे, थोड़े से हाथ में तिल ले लेंगे। और यहाँ पर मैंने जो है कलश में रख लिया है पानी, उसे भी रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स जो है कहानी सुनते हैं। तो फ्रेंड्स हम जो है तिल ले आए हैं और ये देखिए हमारे यहाँ पर तिल ले आए हैं और ये लेंगे हम जो है तिल चटकाने के लिए अग्नि में डालेंगे और फिर सुनाऊंगा आपको कहानी। लो बच्चों, तो बच्चे भी बढ़ती हैं मेरे साथ। खाने में मजा आएगा। और चलिए मैंने भी ले लिए हैं और ये रख दूंगा साइड में। तो सबसे पहले तिल जो है हम डालेंगे अग्नि में। तो चलो बच्चों डालो सीधा में, सारे डाले थोड़े नहीं थोड़े डाले तो चटक जाए सीधा। और यहाँ पर हमने तिल डाल दिया अग्नि में, चटक गई ना। तो चलो कहानी सुनाते हैं। डालने बीच बीच में वो चटक डाले नहीं, बीच में डालने। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ और ये आप कहानी ध्यान से सुनना, छोटी सी है और ज्यादा कुछ तो आता नहीं है। वैसे हम दोनों बहनें साथ में सुनते हैं लेकिन जो है सर्दी का टाइम है और मेरी थोड़ी सी अर्जेंट सिलाई आ गई थी इसलिए मैं जा नहीं पाई। तो जीजी वहाँ पे सुनेंगी और मैं यहाँ पर सुनूंगी। तो फ्रेंड्स हर बार सुनते हैं साथ में लेकिन कोई बात नहीं, अब की बार जो है हम ऐसे सुन लेंगे और आप सबको भी सुनाएंगे। तो बच्चों सुनो मैं कहानी सुनाती हूँ तुम्हें और ध्यान से सुनना। दो भाई थे और दादाजी जेठानी, भाई दो होगी दादाजी जेठानी, तो दोनों दादाजी जेठानी, छोटी वाली का काम कम चलता था छोटे वाले भाई का और बड़े वाले भाई का काम ज्यादा चलता था। तो जो है छोटी वाली बड़ी वाली जेठानी ने जो है तिल फटके उसने आधे जो है साफ करे आधे उसने बिखेरे, तो उसने ऐसे फटके क्योंकि किसी चीज कमी नहीं है तो आधा बखेर रही आधा फटक रही। तो फटकते आधे बिखर गए। दौरानी ने देखी कि जो है तिल मेरे पैसे की कमी ही तो उसे जो है तिल ना ला पाई, क्योंकि जब पैसा कम होंगे तो आदमी सोचेगा कि चलो कोई बात ना हम ऐसी बढ़ती रह लेंगे। तो उसने तिल लाई, लाके तिल जो है तब देखी कि जिठानी के तिल बिखर रहे घर में, तो उन्होंने ही झाड़ू लगाकर चुपके लिया मतलब किसी कपड़े से सकेर के और उन्हें घर ले आई। घर लाकर उसने जो है गुड़ लिया क्योंकि गुड़ इस टाइम पे बहुत जरूरी होता है। तो गुड़ लिया, गुड़ में लेकर और माने तिल साफ करे और करके साफ और वाके लड्डू बना दिए। अच्छा दो बच्चे वाके वे टूटी फूटी काटी उस पर माने बालक सुहा दी, बेटा तुम सो जाओ तेरे पापा गए काम पे और वही रह गई बच्चे के साथ। तो जो है उसने सुला दिए और दो लड्डू बनाए कि बेटा तुम्हें मैं बाद में दूंगी और तुम जो है अभी सो जाओ, पढ़ती है हम सब मैं तुम्हें दूंगी। तो बच्चे ने एक लड्डू खवा के और जो है सुहा दिए क्योंकि बच्चे कभी देखो किसी के ना मानते, तो आप उधर हिजाब भूखो लेकिन बच्चे ना रहते, इसलिए बच्चे ने खवा के लड्डू और जो है दो लड्डू वाले ऊपर रख दिए ताक पे जो है इन्हें हम बाद में खा लेंगे जब चंदा निकल जाएगा। अच्छा चंदा उठी रात को तो एक बाबा आए वे कह लगे कि भाई भिक्षा हम दे ही वो कह लगे कि आओ बाबा खाना वाना खाओ बाबा जी मैं जो है बेटा मुंह थका पड़ा हूँ बहुत और मुंह तो आराम करने को जो है स्थान दे दो। मैंने कही कि ठीक है बाबा। अब जो खाट वाकी टूटी फूटी सी खुद की वो कह लगे बाबा तुम वापस हो जाओ। वो जो है बाबा कह लगे भाई मुझे भूख लगी बहुत तेज, बाबा मेरे थोड़ा और तो कुछ है ना लड्डू बना रखे मैंने वे तुम खा लो। मैंने वे लड्डू बाबा पकड़ा दिए, बाबा ने तिल के लड्डू खा लिए। अब बाबा तो दो लड्डू में ही ऐसे झिक गए क्योंकि भाई वे तो भगवान है तो परीक्षा ले रहे हैं तो वे जो है झिक गए। झिकते नहीं जो है वो कह लगे बाबा मो बेटा वो नींद आ रही है मोहे सोना है। अब जी जो वे सो के रात को उठे कि बेटा मोह जो है मुझे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं कहाँ जाऊं। वे कह लगे बाबा कोने में चले जाओ क्योंकि लैट्रिन भाई बाथरूम तो पहले होते ना है तो जो है पहले फ्रेश होने की जगह हो गई तो ज्यादातर जो है भाई वे कह लगी तो कोने में चले जाओ। अब बेटा मोह तो और जाना है जी बाबा दूसरे कोने में चले जाओ। फिर मैंने कही बाबा तीसरे कोने में चले जाओ। फिर मैंने कही बाबा चौथे कोने में चले जाओ। मैंने कही भाई मेरे तो पेट में दर्द हो रहा हूँ कोई बात ना बाबा जो है पूछना मतलब मैंने कही बाबा मेरे पल्ले से पूछ लो। पल्ले से पूछ ले माने सुबह देखे भाई बाबा तो उठ के रात को चले गए। बाबा उठ के रात को चले गए तो देखते होंगे तो पल्ले में भी सोने चांदी और गहने लटक रहे हैं और जो है कॉनिन में जो चारों कॉनिन में भाई वे गए हैं तो चारों कॉनिन में भी जो है फ्रेश हुए हैं तो चारों कॉनिन में भी सोने ही सोने का ढेर लग रहा है और वहां का घर जो है महल होगा बहुत बड़ा महल बन गया वहां का घर था। माने जो है जिठानी ने देखी सुबह उठी जिठानी माने कही अपनी चाची बुला ला काम कर देगी हमारे घर को। अब काम करने को तो जब वहां फुर्सत मिली गहने जो वो कह लगी कि जी जी आज मोर टाइम ना है और जो है मैं अब कैसे करूं मैं तो अपने इतना घर इतना काम फैल लो क्योंकि यू महल किसको बन गो यू भाई किसको है भाई यहाँ तो मेरी दौरानी का घर हो और यू कैसे ऐसे कैसे भाई मैंने कल तो यहाँ झोपड़ी देखी भाई टूटा फूटा घर हो और आज यहाँ महल खड़ा होगा भाई यू कैसे कैसे। अब दौरानी भी सीधी सी ही जो बात भाई आदि मेरे बाजी चतुर्थी हो न बताती कि क्या हुआ एक दिन में वैसे भी कोई भी बताएगा एक दिन में अगर कोई बात ऐसी होगी। तो वो वाने कही जी जी ऐसे बात है रात मेरे घर बाबा आए और बाबा ने मैंने जो है और तो मत पूछाना क्योंकि तुमने रोटियों को मना कर दी है और भैया ये भी काम पे गए हैं और ना मैं बढ़ती ही
और जो है मैंने लड्डू बनाए जो तुमने सकेरे ना है मैं उन्हें चुक कर लेगी ही और मैंने भी उनके लड्डू बना दिए, दो तो मैंने बालकन खवा दी, दो मैंने धर दिए अपने मार के लिए, मैं बर्त खोलूंगी जब खा लूंगी। अब आए रात को बाबा, मैंने बाबा आगे थे लड्डू खवा दिए, लड्डू खवा दिए तो बाबा तो दो लड्डू में झिके वे सो गए। रात को उठे कि वो तो हाथ धोस लग रही है और जो है मैं भाई जाना चाहता हूँ कि भाई कहाँ जाऊँ, म्यूजिक बाबा कोने में कर लो जैसे बालकन करवा दे तो मन कह दी कब रात बेरात पहुंच जाऊंगी खेतन में, तो जो बाबा कोने में कर लो, अब या कोने में वा कोने में और वा कोने में जो कैसे मेरे तो ऐसा चमत्कार हुआ बाबा महाराज ने, कोई बाबा भगवान ही उतरी आए जो मेरे इतना उद्धार कर दे कि मेरे गहने गहने भरे पड़े हैं और मेरे तो महल खड़ा होगा है, तो मेरे कैसे भगवान ने चमत्कार करो। अब भैया जिठानी का जो है लो भागो, जिठानी पैसा वाली ही लेकिन फिर भी लो भागो, वहां अगले साल आई शकर देवता, वहां अगले साल ऐसी करी कि जो है चलो भाई मैं भी ऐसी करूंगी। अब वो जो है वहां जो है उल्टा सीधा दौरानी ने जो फटके की दौरानी भी पैसा वाली होगी, थोड़ा बहुत बिखरी जा वापस बिखेरेगी, वो समझ आ रही वहां थोड़े बहुत बिखरे वन जैसे फटके तो थोड़े बहुत बिखर गए, वहां कही ना इन्हें मैं चुक लूंगी और वो लेके वो चली गई, उनके ना मैं दौरानी के बिखर गए ना मैं ले जाके मैं जो है जाके और उन्हें लेगी क्या। अब जो है आपने सारे में जेब भी जेब काट ली कि बाबा आएंगे भाई पैसा जरूरत पड़ेगी तो पजामा काट लियो, पजामा काट के और धल्ली जेब बड़ा बना के कि मैं बढ़ती रहूंगी। अब वो कहने लगा मेरी जेब उन्होंने क्यों काट रही है ऐसे कुर्ता पजामे ने क्यों काट दी मेरी, ना ये तो वैसे ही बेकार है तुम्हारे पुराने हो रहे और नई सिलवा लीजिए, बने जो टूटी फूटी खाट ली छोट के और वो आप लौट गई। बालगंज से कहती कि लो लड्डू है आज खाने को और लड्डू खाकर चुप सो जाओ और ना मेरा कुछ भी है, बालक भी सुहा दिए बालगन को भी ऐसी सुहा के आप बढ़ती रही। अब आए कोई भूखे पेट बाबा जी, भाई जो खाने वाले बाजी बाजी इतना ज्यादा खावे है भाई, आए वे बाबा जी कह लगे शाम दे ही रात को बाबा है, तो आए बाबा जी वे कह लगे जी बेटा बहुत भूख लग रही है, नहीं बाबा आओ जी आओ बाबा मेरे तो और तो कुछ है ना और ये लड्डू बनाए मैंने तो अपने मारे कह ले बर्तन खोलूंगी जब खा लूंगी, कोई बात ना बाबा इन्हें तुम खा लो। अब जो है कोई पेटू सा आया हो बाबा जी माने लड्डू खवा दिए, बेटा मैं तो अब सो गए, चलो बेटा मो जब कोई बात ना तुम्हारे घर में यू ही है लड्डू तो मैं लड्डू खाकर सो जाऊंगा, मो खाट दे दो, माने जो है खाट दे दी, देखे खाट सो गए। अब रात को उठा पेट में दर्द तो वाकत ही लैट्रिन बाथरूम लेकिन ना, माने कही बाबा जो है कोने में कर लो और कहां जाओगे, माने या कोने में करी वा कोने में करी वा कोने में करी चारों कोने में, बेटा मो तो और दर्द बार रहा मेरे पेट में, नहीं कोई बात ना बाबा मेरे कपड़ा से पूछ लो, माने जो है कपड़ा से पूछवा दी। अब भैया बाबा जी कोई है पेटू महाराज खाने वाले वे जो है रात को नहीं बेटा जो है वो तो सोगी थकार के, क्योंकि जब जो आदमी रोज पूरी नींद सो रहा हुआ फिर हार जाए अब जो वो तो सोगी, सुबह उठी मैंने सोची जैसे मेरी दौरानी सोई ही ऐसे मैं भी सो जाऊं, भैया सोगी सो के उठी देखा तो वहां भी लैट्रिन वहां भी फ्रेश हो रही है, वहां भी गंदगी है वहां भी गंदगी, अब जितनी ठावे उतनी ज्यादा और कपड़ा सने पड़े सारे। तो लोभ कभी नहीं करना चाहिए, जो है उसी में संतुष्टि करनी चाहिए, यूं ना है कि जो दौरा नहीं मिल गया है वो तुम्हें भी मिल जाएगा, वह है अपनी मेहनत का फल मिला, क्योंकि जो सच्चे मनसु रहेगा वह है भगवान जो है आगे भी देंगे, सच्चे मनसु हमेशा रहना चाहिए, कभी भी गलत भावना किसी के लिए नहीं रखनी चाहिए। इसलिए ये कहानी मैंने सुनाई आपको क्योंकि बड़ी बूढ़ी ना है जी जी मुझे ये कहानी सुनावे है, इसलिए मैंने आपको भी जी जी ने जो कहानी मुझे सुनाई वही मैंने आपको सुना दी। तो फ्रेंड्स जो है दोनों बहने साथ में व्रत करते हैं लेकिन जो है अब सर्दी की वजह से मैं वहां पर नहीं जा पाई, इसलिए हमने यहीं पे कहानी बच्चन के साथ सुन ली और रात का समय है इस टाइम ही ये वाली कहानी सुनते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी भी ये वाली कहानी इसी समय मतलब सुनाती थी। तो देखो कभी भी लोभ मोह त्याग करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी की चीज पर गलत निगाह नहीं रखनी चाहिए, नहीं चोरी करनी चाहिए। तो इसलिए बच्चे मेरे सुन रहे हैं और मैं भी कहानी सुन रही हूँ, तो फ्रेंड्स जैसे पहली वाली को आई ऐसे सबको आई हो और जैसी बाद वाले को आई ऐसे किसी को मत आई हो। तो जैसे जिठानी ने लोभ करा तो ऐसे कभी लोभ न करना चाहिए और जैसे जो है दौरानी ने जो है सच्चे मनसु मेहनत करी तो उसे मेहनत का फल मिला। तो फ्रेंड्स ये जो है कहानी पूरी हो गई है, अब हमारे तिल जो हम अग्नि में डाल देते जो बचे हुए और जो है थोड़े से मैं डाल देती हूँ गंगा जल में, ये जो हमारे दादू थोड़ा से बम डाल दिए पूजा में। तो यहाँ पे मैंने जो है जल की लुटिया भी रख रखी है ये देखिए, और हमने भी कहानी सुन ली बच्चे ने भी इसमें डाल दिया, और जो है ये गए हैं अभी आए नहीं है तो हम अपनी जो है अब खाना पीना करेंगे, आज बनाएंगे हम समा के चावल। तो पूजा हो गई है, इधर हमने जोत भी लगाने के लिए जोत भी जला दी थी। तो फ्रेंड्स जो है कहानी मैंने सुना दी है आपको मेरी, ये कहानी कैसी लगी और ये सकट की कहानी सकट का व्रत बहुत ही बढ़िया लगता है, तो सुबह पूरा दिन बहुत ही अच्छे से बीता हमारा और कहानी भी आज मैंने आपको पूरी सुनाई है। तो फ्रेंड्स जो है आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आपको मेरा पूरे दिन का रूटीन कैसा लगा वीडियो में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी करना। और ये देखिए फ्रेंड्स हमने जोत भी लगा दी है और आप भी जो है धूप ले लीजिए और धूप बत्ती की जोत, तो इसकी महक कितनी अच्छी आ रही है खुशबू। चलो